10 पेनी स्टॉक इन अपर सर्किट, 10 ऐसे पेनी स्टॉक फ्रेंड जो कई दिन से अपर सर्किट पर है और जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का खूब पैसा बनाया है। आज अपनी इस वीडियो में हम उन 10 पेनी स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं इस लिस्ट में। सबसे पहला स्टॉक है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस ₹2.10 और 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई रहा है ₹4.90 और लो रहा है ₹60। अब इस सीरीज का दूसरा स्टॉक AJR इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड, एक बेहतरीन फंडामेंटल की कंपनी है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और स्टॉक प्राइस अभी काफ़ी कम है, ₹2.40 इसका करंट मार्केट प्राइस है। हाई क्या है ₹3.32 का और इसका लो रहा था ₹65 फ्रेंड्स, 52 वीक का डाटा है ये। तो तीसरा स्टॉक इस सीरीज का है PVV इंफ्रा लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस ₹22.30, हाई किया है ₹22.30 का और इस स्टॉक का 52 वीक लो रहा है ₹4.35। अब चौथे स्टॉक की बात कर लेते हैं, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करती है कंपनी, अच्छी कंपनी है। तो करंट मार्केट प्राइस है ₹10.20, 52 वीक हाई रहा है ₹10.30 और लो रहा है ₹4.36। तो पांचवी कंपनी है इस रेंज में, सुंदरम मल्टी PAP लिमिटेड। तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है ₹4.10 जबकि 52 वीक हाई रहा है ₹4.52 और लो रहा है ₹1.10। छठा लैंडमार्क प्रॉपर्टी, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा लगता है। लैंडमार्क प्रॉपर्टी का रियल इस्टेट ही कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस है ₹11.70 और इसका हाई रहा है ₹11.90 और लो किया है इसने ₹1.60। तो सातवां स्टॉक देख लेते हैं, सातवां स्टॉक सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड, FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है ये। और इसके स्टॉक का करंट प्राइस है ₹1.40 और इसका 52 वीक हाई रहा है ₹1.50 और लो रहा है ₹55 का। तो इस सीरीज का आठवां स्टॉक उजास एनर्जी लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस ₹4.80 और इसका 52 वीक हाई रहा है ₹5.04 और लो रहा है ₹2.26। तो अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, लॉयड स्टील। अभी स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है, कंपनी का फंडामेंटल इसका अच्छा दिखता है और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है ₹19.70 और 52 वीक हाई रहा है ₹80। तो आखिरी और दसवां स्टॉक रतन इंडिया पावर लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस ₹7.40 और इसका हाई रहा है ₹9.99, लो रहा है ₹2.36। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जानकारी के लिए है कि ये 10 स्टॉक अपर सर्किट पर चल रहे हैं। हमारी तरफ से इनको खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने यदि इन स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।